पूरा देश करे पुकार, रोजगार रोजगार। पूरा देश करे पुकार, रोजगार रोजगार। नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। पूरा देश करे पुकार, रोजगार रोजगार। पूरा देश करे पुकार, रोजगार रोजगार। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर रोजगार को लेकर लगातार ये लोग जो है इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है और यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है, यहाँ पर सुनने में आया है। तो मैम, क्या हो गया है, क्या कुछ हुआ है, क्यों डिटेन कर लिया है, अगर आप अपने हक अधिकार की मांग करते हैं? बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम सभी बैठे हुए थे नंद नगरी में, और देश के युवा आए हुए हैं, देश के कोने कोने से युवा। सिर्फ क्या है, शांतिपूर्वक तरीके से अपने लिए रोजगार की मांग कर रहा है। वहाँ पे कल रात को सभी को वहाँ से डिटेन कर दिया गया और उस एरिया को सील कर दिया गया है। कितने दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? 16 तारीख से हम प्रदर्शन में बैठे हैं और 16 तारीख से हम रोजगार आंदोलन शुरुआत की है। हाँ जी, आज जो है अभी सुनने में आया आप लोगों को यहाँ पहुँचे थे और तभी डिटेन कर लिया, क्या ऐसा हुआ है क्या? नहीं, अभी कुछ साथियों को किया है डिटेन, किया है। हाँ जी, तो डिटेन क्यों कर लिया? आप तो शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार डर रही है, बिल्कुल जो रोजगार आंदोलन हो रहा है ये हमारा सफल हो रहा है, और हम सभी चाहे ये जेल में डालें, कुछ भी करें, और ये आंदोलन जारी रहेगा, और इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को हम विफल कर दें, इसलिए सभी को डिटेन किया जा रहा है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। क्या नाम है आपका? गुरजीत। तो आप भी वर्किंग है किसी क्षेत्र में? हाँ जी, मैं टीचर हूँ, इसीलिए टीचर पे भी अब जो है शिकंजा कसा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील जायसवाल है, मैं कोलकाता से आया हूँ। कोलकाता से आए हैं आप दिल्ली? जी हाँ। या फिर रहते ही हैं यहाँ पे? नहीं, मैं कोलकाता में रहता हूँ, वहाँ से यहाँ पे आए। जी हाँ। तो क्या कुछ हो गया जो इतनी दूर से आप यहाँ आए? देखिए, देश की सभी युवाओं की आवाज़ है कि रोजगार मिलना चाहिए। अलग अलग राज्यों में लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोलकाता की गांधी मूर्ति में 520 दिनों से हजारों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं जो SSC के एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, कोई सरकार नहीं उनकी सुन रही है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार आवाज़ गूंगी भरी। रोजगार तो दिया जा रहा है ना सरकार द्वारा? कौन सा रोजगार की बात कर रहे हैं आप? पकौड़े बेचने की रोजगार बोल रहे हैं क्या आप? कौन सी रोजगार, कहाँ रोजगार है? अग्निवीर को आप रोजगार कह रहे हैं? रोजगार है नहीं, सबको मिल रहा है ना उसमें रोजगार। अब 8वीं पास भी जा 5000 रुपए में 12 घंटा जो काम करवाते हैं सिक्योरिटी गार्ड में, आउटसोर्सिंग की आप रोजगार बता रहे हैं? एक रोजगार नीति बने, गलत है अग्निवीर, एकदम गलत है। वो सड़क भी बन के आ जाएंगे ना, हम लोग चाहते हैं कि 10 लाख फॉर्म भरे गए वो लोग कौन है? देखिए, देश में बेरोजगारी की समस्या है, लोग जो कुछ नहीं तो कुछ करने की एक ऑप्शन है कि भाई चलो कुछ नहीं मिल रहा इसको कर लें, लोग खुशी से नहीं अग्निवीर में जा रहे हैं। मजबूरी से 5000 रुपए में 12 घंटे लोग काम करते हैं, ये भी तो एक मजबूरी है। 4 साल बाद उन्हें फिर कार्यालय में मिल तो जाएगा रोजगार? कार्यालय में मिलेगी उनको, भाजपा कार्यालय। हाँ, जो 15 साल जो फौज में जो नौकरी करते हैं वो आके सिक्योरिटी गार्ड में 10,000-8,000 की नौकरी करते हैं। मैडम, ये सच्चाई नहीं है, झूठी बात है वो। क्या नाम है? मेरा नाम मनदीप है, और जिस तरह से आपने अग्निवीर की बात कही है, अग्निवीर बीजेपी ने अपने ऑफिस में जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया कि हम उनको ऑफिस में टिटवन रखेंगे, मुझे लगता है कि ये अग्निवीर उन्हीं की एक स्कीम है, और अग्निवीर का हम पूर्णतः विरोध करते हैं जी। अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, अग्निवीर योजना पूरी तरह से बंद होनी चाहिए जी, इसका पूर्णतः हम विरोध करते हैं। और जनहित की आवाज़ से हम इस देश के युवा को बताना चाहते हैं कि संयुक्त आंदोलन रोजगार समिति उनके साथ है, सबको अग्निवीर किसी को नहीं। आत्मनिर्भर भारत बन गया? आत्मनिर्भर भारत मैम, आत्मनिर्भर भारत नहीं बना है, भारत को एक गुलाम बनाया जा रहा है, मानसिक गुलाम और आर्थिक गुलाम की तरफ देश को ले जाया जा रहा है। जिस 4 साल बाद अग्निवीर का मुद्दा क्या करेंगे, क्या कहने वाली बात है? अडानी अंबानी के लिए फोर्स तैयार की जा रही है, अडानी अंबानी के लिए फोर्स तैयार, जो यहाँ ट्रेनिंग लेंगे 4 साल, और अडानी अंबानी के लिए उनके सिक्योरिटी गार्ड के काम करेंगे अपने ऑफिस में तैयार। बाकी हमारे नेता बता रहे हैं विश्व गुरु बन गया ना, आप क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है जी? विश्व गुरु बन गया मैम, ये सवाल तो आपको उन युवाओं से पूछना चाहिए
जो एक एक नौकरी के लाखों के फॉर्म भरे बैठे हैं, उन युवाओं से विश्वगुरु के बारे में पूछना चाहिए। युवा सबसे ज्यादा रोड़ों पे जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर जी मैम, उन युवाओं से पूछना चाहिए जो अभी इंदौर में 10,000 लोग तिरंगा लेके यात्रा कर रहे हैं, उन युवाओं से पूछना चाहिए जो दिल्ली की तरफ पैदल की तरफ मार्च कर रहे हैं, उन युवाओं से पूछिए जो एक छोटी सी सरकारी नौकरी निकलती है पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो उन्हें वो मेहनत करता है, उसे पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं होता रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलती, उसके बाद उनकी उम्र निकल जाती है, उन युवाओं से पूछिए कि कौन सा देश विश्वगुरु बन गया है। आज पूरा देश सड़कों पे है, पूरा देश सड़कों पे है, कहाँ है पूरा देश सड़कों पे मैम, पूरा देश अभी हमारे पूरे देश पर से साथी आए हुए थे, खुश है हिंदू राष्ट्र बन रहा है, चाइना टाइट हो गया। युवा अगर खुश होता है, अगर ऐसी बात होती तो आनंद नगरी में हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस को डर लग गया, प्रशासन को इस चीज से डर गया कि कहीं आगे ना हो जाए, जिस तरह से यहाँ पे भी हमें रोका जा रहा है, हमें यहाँ पे भी खाली कराया जा रहा है, पुलिस प्रशासन बार बार हमें डिटेन करने की बात कर रही है। डिटेन कर लिया गया क्या? अभी हमारे साथी को डिटेन नहीं किया गया, पर बार बार हमें धमकी दी जा रही है डिटेन कर दिया जाएगा, धक्के मार के हमारे साथियों को इधर से निकाला जा रहा है, और शांतिपूर्ण ढंग से आर्टिकल 19 जो है आप सबको संविधान के तहत प्रदर्शन करने की अनुमति देता है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, आपको तो परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है। जी हमने बिल्कुल इसके लिए भी हमने परमिशन भी डाला हुआ था, लास्ट एंड मौके पे पुलिस प्रशासन ने हमारी अभी हमें यहाँ पे आके सूचना दी कि आपकी परमिशन रोक दी गई है, आपको डिटेन कर लिया जाएगा, हमें यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने वो किया, बार बार हमें डराया धमकाया, हमारे कुछ साथियों को इधर उधर भेज दिया गया है। देश विरोधी कुछ नारे लगा रहे थे, कुछ इस तरीके का कर रहे थे जो आपको भगाया जा रहा है। हमने कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए, हम देश के साथ हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं, हम केंद्र सरकार से सिर्फ ये मांग करते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार की एक कानून नीति बनाई जाए, संसद में एक कानून पास किया जाए, सभी को रोजगार मिले, किसानों को MSP मिले। इतनी आप मोदी सरकार की जो है बुराइयां बता रहे हैं, लेकिन 2024 में तो फिर भी अभी भी वो आ रही है, हर जगह जीत रही है। आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, हमने कोई भी सरकार की बुराई नहीं करी है, हमने किसी भी सरकार की कोई बुराई नहीं करी है, हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। फिर क्यों खड़े हैं यहाँ पे जंतर मंतर? सरकार से मांग कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं, कोई भी मांग कर सकता है, देश मांग कर रहे हैं, भगा दिया जा रहा है, भाग दी तो ये तो सरकार के वो है ना, जो हमें भगाया जा रहा है, हमसे डर गई है, हमें एक आंदोलन को हमारे सरकार डर रही है, आप लोगों से, आप चंद लोगों से डर रही है? बिल्कुल चंद नहीं है मैम, हमारे देखिए आप अभी रोजगार की मांग करने के लिए थोड़े ही से लोग, पुलिस ने सभी साथियों को यहां से हटा दिया है, रोकने की बात की, बार बार पुलिस कह रही है कि आप यहां से हटेंगे नहीं तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, पुलिस प्रशासन भी ये है, और हमारे शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से नंदनगर में प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस ने सबको जिस तरीके से डिटेन किया, पूरे देश के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर क्यों डिटेन किया जा रहा है? ये तो मैम प्रशासन हमें बता सकता है कि हमें क्यों डिटेन कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हमने 16 से 22 अगस्त तक एक रोजगार आंदोलन की बात की, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, आप हमारे पूरे चैनल उसमें देख लीजिए, कहीं से कोई भी गई, कहीं सरकार विरोधी हमने कोई नारे नहीं लगाए, किसी सरकार के हमने कोई बातें नहीं की, हम सरकार से सिर्फ एक अपनी मांग कर रहे हैं, कोई सरकार विरोधी हमने बातें नहीं की, ना हमने कोई नारे लगाए, ये बात है। ठीक है, तो अभी देखा आपने किस तरीके से लोग जो है लगातार अपने रोजगार की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 16 अगस्त से लगातार ये प्रदर्शन जारी है नंद नगरी से, और नंद नगरी में लगातार ये लोग प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिल्ली की रोडों पर जब आते हैं तो यहाँ पर ही इनको डिटेन कर लिया जाता है, कई बार 2-3 बार इन्हें डिटेन कर लिया गया, जोरबाग पर भी इन्हें डिटेन कर लिया गया था, आज ये जंतर मंतर आए थे तो यहाँ पर जो इन्हें परमिशन मिली हुई थी तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग इनको अब जो है यहाँ से जाने के लिए बोला जा रहा है कि आपका अब टाइम खत्म हो चुका है। तो सोचिए देश में जिस तरीके से हक अधिकार की बात करना भी अब गुनाह हो गया है, तो लोग आखिर जो आम जनता है वो जाएगी कहाँ, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है संविधान के तहत जो है अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जब ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो इन्हें अनुमति क्यों नहीं मिलती है? तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।